इस वीडियो में तुम्हें डेकोडिंग बायोटी की जैसा थंबनेल बनाना सिखाने वाला हूँ। बिकॉज ऑडियंस के सामने सबसे पहले आता है तुम्हारे वीडियो का थंबनेल। अगर तुम्हारा थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो उस पर कोई भी क्लिक नहीं करेगा। ओके, हाई सीटीआर वाला थंबनेल कैसे बनाते हैं वो आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, वो भी फोन से। इस थंबनेल को बनाने के लिए मैं पिक्सेल ऐप का यूज करूंगा, तो चलिए पिक्सेल ऐप ओपन कर लेता हूँ। पिक्सेल ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन देंगे, न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना, यहाँ पर डुअल ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देना है। यहाँ पर थ्री बिंदु पर क्लिक करके, यहाँ पर जैसे थ्री बिंदु पर क्लिक करके यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक कर देना है, कस्टम वाले ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल क्लिक कर देना, देन ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना, कहीं भी मिल जाएगा ब्लैक बैकग्राउंड। तो चलिए यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ प्लस वाले आइकन करके। मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा कि इसको ऐड कैसे करना, ऐड करना तो आपको आता ही होगा। चलिए मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर लिया, इसको फुल साइज में कर देंगे कुछ इस प्रकार। इतना कर देने के बाद यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक करके इसको डबल क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट का नाम दे देंगे। चलिए यहाँ पर मैं कुछ नाम दे देता हूँ अपने टेक्स्ट का। तो यहाँ पर मैंने योर वॉइस का नाम दे दिया और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने से साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और नीचे देख सकते हैं आप फॉन्ट वाला ऑप्शन। आप फॉन्ट डाउनलोड कर लेंगे, इनमें से कोई ऐसा भी अच्छा लगे, बस तो इनमें कोई अच्छा नहीं लगता मुझे फॉन्ट। माई फॉन्ट में जाऊंगा, यहाँ पे इस वाले फॉन्ट को आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और इसको मैं ओके कर देता हूँ और थोड़ा इसको मैं साइज को थोड़ा बड़ा करके इस प्रकार यहाँ पर कर देता हूँ। इतना कर देने के बाद दोस्तों फिर से प्लस वाले आइकन क्लिक करके एक टेक्स्ट फील्ड से ले लेंगे। चलिए यहाँ पर मैं कुछ नाम दे देता हूँ, चलिए एक मिनट रुकिए। चलिए यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट को मैंने ऐड कर लिया साइज थोड़ा बड़ा करके और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा कुछ इस प्रकार। यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, इसका कलर मैं थोड़ा ग्रीन कर लेता हूँ इस प्रकार। इतना कर देने के बाद इसका फॉन्ट चेंज करूँगा मैं, इनमें से कोई सा भी अच्छा लगे यहाँ पे। चलिए मुझे केवल अच्छा लगा फॉन्ट, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों मैंने एक PNG डाउनलोड किया था, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों इस वाली PNG को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, थोड़ी इसकी साइज़ को छोटा कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार। इतना कर देने के बाद मेरे पास एक ऑडियो वेब टाइमलाइन है, उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस ऑडियो वेब लाइन को यहाँ पर ऐड कर लिया। इसको ऐड करने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं इस वाले पे एज कलर वाले पे क्लिक कर देना, इसको नहीं कर देना है और इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके इसको कलर ब्लैक कर देना, देन ओके कर देना है। तो वहाँ पे इसका वो रिमूव हो चुका है। रिमूव होने के साथ से थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा इस प्रकार खिसका देंगे और देन यहाँ पे इसको छोटा कर देंगे, उसको थोड़ा रोटेट कर देंगे इस प्रकार और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। थोड़ा इसकी और रोटेट कर देता हूँ साइज को, यहाँ पर कुछ इस प्रकार यहाँ पर रोटेट कर देंगे। इतना कर देने के बाद हम जैसे कॉपी वाला ऑप्शन, इस कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर मैं ऐड कर देता कुछ इस प्रकार। थोड़ा इसकी साइज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, चलिए बस छोटा कर लेता हूँ इसकी साइज को। इतना कर देने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कुछ इस प्रकार। इतना कर देने के बाद इसका मैं कलर वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, यहाँ जैसे कलर वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर दूँगा और इसमें ग्रीन कलर ऐड कर लेता हूँ इस प्रकार। और फिर से इस वाले पे क्लिक करता हूँ नीचे वाले पे और इसको फिर से मैं कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको इस प्रकार ऐड कर देंगे। इतना आप और कुछ भी इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से तो थंबनेल बनके रेडी हो चुका है। तो हमें सेव वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद सेव अस इमेज पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कस्टम वाले ऑप्शन क्लिक करके इसको अल्ट्रा पर सेव कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी बार किस टॉपिक पर वीडियो लाऊं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो।